Okay, good morning students. This class is for fourth class subject EVS. You can see here EVS subject class 4, and we are starting sixth chapter, chapter number 6, and name of the chapter The Plant Kingdom. देखिए हिंदी में इसको हम कह सकते हैं पादप जगत, पादप जगत, किंगडम जगत। अच्छा, तो सबसे पहले प्लांट जो होते हैं हम नेचर में देखते हैं, व्हेन वी गो आउट फ्रॉम आवर होम, घर से बाहर निकलते हैं, तो देखिए प्लांट बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, जिनको हिंदी में हम कह सकते हैं बड़ा मीन्स बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, वीक मीन्स कमजोर। तो तरह तरह के प्लांट्स होते हैं। तो सबसे पहले आज हम प्लांट्स की दुनिया, जो पादप जगत की दुनिया है, इसके बारे में हम जानते हैं कि प्लांट्स की जो पार्ट्स क्या हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में क्या क्या पार्ट्स हैं, जैसे लेग हैं, बेली स्टोमक है, हैंड्स हैं, फेस है, हेयर है, शोल्डर है, ये हमारे पार्ट्स हो गए, हमारी बॉडी के पार्ट्स हो गए। प्लांट भी लिविंग थिंग है, सजीव चीज़ है, बोलते हैं ना निर्जीव एक सजीव, लिविंग और नॉन लिविंग, तो प्लांट आता है लिविंग थिंग में, है ना। सो आज हम देखते हैं हमारी इस क्लास में कि जो प्लांट्स हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या नाम है। चलो शुरू करते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे। देखिए ये मैंने एक प्लांट बनाया है और यहां मैंने एक लाइन बना दी है। अब आप सोचेंगे ये लाइन तो हमने कभी देखी नहीं प्लांट्स में। ऑफ कोर्स देखिए इस लाइन के नीचे इस प्लांट्स की रूट्स हैं, मैंने लिख दिया रूट, जड़ है जिसको हिंदी में कहते हैं। दैट मीन्स यहां से नीचे सैंड है, मिट्टी है, मिट्टी में रूट होती है, जड़े होती हैं, और यहाँ ये मतलब ये मिट्टी का ऊपरी हिस्सा हो गया, यहाँ से ऊपर ये हवा में है प्लांट मींस, है ना। तो प्लांट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं रूट सिस्टम, RROOT रूट सिस्टम। अब रूट वर्ड है, रूट मींस जड़, तो रूट सिस्टम हो गया ये, मतलब जड़ों वाला एक सिस्टम है उसको अलग कर दिया। एक हो गया सूट सिस्टम, SHOOT, बड़े राइमिंग वर्ड है, मिलते जुलते वर्ड है, रूट और सूट याद करने के लिए इजी है। मेरे साथ आप तीन बार बोलिए रूट सूट, रूट सूट, रूट सूट। सो सूट सिस्टम जो बेसिकली मिट्टी से ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, द पार्ट विच इज अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, इज कॉल्ड सूट सिस्टम। द पार्ट विच इज बिलो द ग्राउंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ प्लांट्स। प्लांट लिखा है मैंने, चलो यार प्लांट्स लिख देता हूँ, प्लूरल कर दिया मैंने। प्लांट्स के क्या क्या यूज है, देखिए प्लांट्स के बहुत यूज हैं। अगर हम मतलब बोलते हैं ना अनगणित, अनकाउंटेड, बहुत ज़्यादा मतलब यूज है, बहुत सारे यूज हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया कीप इन्वायरमेंट फ्रेश एंड हेल्थी। देखिए इन्वायरमेंट पूरा वातावरण, ये हमारा वातावरण है जो हमारे सराउंडिंग में होता है, ये पूरा वातावरण होता है, है ना, उसको क्या रखते हैं, फ्रेश रखते हैं, ताज़ा रखते हैं और हेल्थी। जैसे हम अपनी बॉडी को बोलते हैं ना इसकी बॉडी हेल्थी, हमें अपनी बॉडी को हेल्थी रखना चाहिए, तो उसके लिए हमें नींद अच्छी लेनी है, खाना अच्छा खाना है, ठीक है, पार्ट प्लेंटी वाटर पीना है, इनफ ऑफ, है ना, प्लेंटी वाटर पीना है पूरे दिन में, हेल्थी एक्टिविटीज़ करनी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, खेलना है 1 घंटे, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी, बहुत सारी बातें हैं ऐसे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको ये हेल्थी रखने में हेल्पफुल है। कौन है, प्लांट्स हैं। अगर हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे फील्ड्स में, हमारे घर के चारों ओर, हमारी लोकेलिटी में प्लांट नहीं रहेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट हेल्थी नहीं रहेगा। अब हेल्थी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अनहेल्थी हो जाएगा, है ना। हेल्थी जो वर्ड में कई सारी चीज़ें हैं भाई, जैसे कि तापमान, टेम्परेचर राइज हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए। अब देखा होगा आपने दुनिया में, वर्ल्ड में एवरी ईयर टेम्परेचर स्लाइटली अप जा रहा है,
अगर लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम हैं हमारे रीजन में 46 डिग्री टेम्परेचर, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, तो इस बार थोड़ा बढ़ गया स्लाइटली। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे दुनिया प्लांट्स को काट रही है, होना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट कट, वी शुड ग्रो मोर प्लांट, बट वो कहीं ना कहीं एक रीजन है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, हाउसेस कंस्ट्रक्शन और बढ़ रहा है, रोड ब्रिजेस फ्लाई ओवर ये सब बहुत बन रहे हैं, तो उनको जगह चाहिए, जगह चाहिए, तो प्लांट्स को काट देते हैं। चलो, सो जैसे तापमान को रेगुलेट करके रखते हैं, कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं, है ना। इवन हेल्थी में ये भी आता है कि भाई रेन जो बारिश होती है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है प्लांट। जहाँ पे ज़्यादा प्लांट है वहाँ पे चांसेस हैं रेन के ज़्यादा, जहाँ पे प्लांट्स लेस हैं चांसेस रेन के कम हो जाते हैं, ठीक है। सो हेल्थी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्रोवाइड फूड। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, फूड मीन्स भोजन। प्लांट हमें फूड भी देते हैं, हमें नहीं, ह्यूमन को ही नहीं, बर्ड्स को देते हैं, एनिमल्स को देते हैं, सबको फूड देते हैं। स्पेशली जो हम वेजिटेरियन जो शाकाहारी फूड खाते हैं वो हमें प्लांट से ही मिलता है, है ना। वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, पल्सस हैं, फ्रूट्स हैं, लीफ हैं, ये सब सारा का सारा हमें प्लांट से ही तो मिल रहा है। तो प्लांट्स हमें फ्रूट्स दे रहे हैं, एनिमल्स को फूड दे रहे हैं, बर्ड्स को फूड दे रहे हैं, तो हमारा जो फूड है मैक्सिमम डिपेंड किस पे है? प्लांट्स पे, हम सब जानते हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइड क्लोथिंग। क्लोथिंग मीन्स कपड़े, आप सबको मालूम है कपड़े, जो हमारे क्लोथ्स हैं ये सब हम, वो भी किससे बनते हैं? प्लांट से। एक इसका प्रोसीजर है, वो एक प्रोसीजर है कि प्लांट से कैसे बनते हैं, बट अल्टीमेटली बनते प्लांट से ही हैं, है ना। वो प्रोसीजर अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे बनते हैं, कौन से प्लांट से, किस चीज़ से बनते हैं, बट बनते प्लांट से ही है, तो बहुत बड़ी बात है, है ना, ठीक है। मतलब हमारे कपड़े भी, अब एनिमल तो कपड़े पहनते नहीं, बट हम कपड़े पहनते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो कपड़े भी प्लांट से ही बनते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी हो, इसका यूज हो गया। अगला है प्रोवाइड शेल्टर। शेल्टर मीन्स शेल्टर को हम हिंदी में कह सकते हैं एक तरह से कवच, एक तरह से घर। शेल्टर मीन्स एक तरह से घर, शेल्टर शरण देना। शेल्टर का मतलब होता है शरण देना, शरण देना। शेल्टर का क्या मतलब होता है? शरण देना, मतलब घर। भाई जो प्लांट्स हैं हमें शेल्टर देते हैं, शरण देते हैं, है ना। बर्ड्स भी अपना घर कहाँ बनाते हैं? प्लांट्स में बनाते हैं। एनिमल जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, वो भी अपना घर कहाँ बनाते हैं? जनरली प्लांट्स में बनाते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स जो हैं हमें शेल्टर देते हैं, हमारे बहुतों के घर कई रीजन में प्लांट से ही बनते हैं, और हमारे घर की कितनी सारी चीज़ें हैं, विंडो है, डोर्स हैं, फर्नीचर है, ये सब प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। इवन आप हमारी जो क्लासरूम में हैं, डेस्क हैं, बेंचेज हैं, ये सब भी प्लांट से ही बनती हैं, ठीक है। सो ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है दवाइयाँ। हिंदी में मेडिसिन को क्या बोलते हैं? दवाइयाँ। अब देखिए प्लांट हमें दवाइयाँ भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, बहुत सारी मेडिसिन है जो प्लांट्स पे डिपेंडेंसी है उनकी, ठीक है, हमें पता नहीं, बट बहुत सारी मेडिसिन है जो प्लांट्स से हमें मिलती है। सो प्लांट्स की यूजेज और भी है, मैं और भी बता सकता हूँ, हमारे जितने सारे टॉय हैं उनमें भी प्लांट्स होता है, हम हमारे जो खेलने के इक्विपमेंट हैं जैसे हॉकी, वो भी प्लांट से बनती है, ठीक है। और भी कई सारे इक्विपमेंट हैं खेलने के, व्हीकलों में भी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो प्लांट्स से मिलते हैं, घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमारे किचन में कई सारे बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, वो भी प्लांट्स से हैं, बहुत कुछ है। तो प्लांट्स बेसिकली जो पादप जगत है इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए कहा जाता है कि वी शुड ग्रो मोर प्लांट, हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है, लगाने हैं, काटना नहीं है प्लांट्स को। अगर हम प्लांट्स को काटेंगे तो जितने यूजेज हैं हम इनसे वंचित रह जाएंगे। भाई प्लांट्स को हमने काट दिया तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो ये हो जाएगी कि इन्वायरमेंट हमारा हेल्थी नहीं रहेगा, वातावरण गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर हम एयर कंडीशन खरीदते घूमेंगे, अब एयर कंडीशन हमारे साथ साथ तो चल नहीं सकता, केवल एक रूम को ही ठंडा करेगा, ठीक है। रेन नहीं होगी तो हम एग्रीकल्चर जो फार्मिंग का काम है, खेती का काम है, वो नहीं कर सकते,
पानी अवेलेबल नहीं होगा, ना ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होगा, ना खेती के लिए, है ना। अब ड्रिंकिंग वाटर भी तभी तो होगा जब रेन होगा, अब प्लांट नहीं होगा तो रेन नहीं होगा, है ना। तो हमारा जो एनवायरमेंट है फ्रेश भी नहीं रहेगा, ताजा भी नहीं रहेगा, अनहेल्थी हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। देखिए सबसे बड़ा मुझे यहाँ जो हेल्थी है प्लांट्स की, बस ऑक्सीजन ये मैंने लिखा नहीं इसीलिए कवर हो गया, पर आप लिख लें प्लांट्स हमें क्या देते हैं, प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्रोवाइड ऑक्सीजन, जिसको आप बाद में आपको बताया जाएगा वो टू भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन भी देते हैं, मतलब अगर हम जिंदे हैं तो बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन हमें ना मिले तो हम विद इन ए मिनट हमारी डेथ हो जाएगी, हम मर जाएंगे, है ना। तो मतलब प्लांट्स के बिना काम चलने वाला ही नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है। ये वातावरण में ऑक्सीजन अवेलेबल है, एयर अवेलेबल है, एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है। और हम जो एक्सहेल कर रहे हैं, हम जो हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन बॉडी ने कंज्यूम कर ली, जब हमने बाहर छोड़ी तो ऑक्सीजन के बदले हमने कुछ ऑक्सीजन छोड़ा, लेकिन हमने छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने छोड़ा वो प्लांट ने ले लिया। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड कोई और लेगा, दूसरा व्यक्ति लेगा तो मर जाएगा, डेथ हो जाएगी। सो हमने जो गैस छोड़ी, हमने जो एयर छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट्स ने ले लिया, और प्लांट्स ने जो दी ऑक्सीजन वो हमने ले ली। तो एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है, हम एक दूसरे पर डिपेंड है। तो बहुत सारे यूज है आपकी बुक में, ज़्यादा नहीं लिखे हैं, आपकी फोर्थ क्लास के हिसाब से बहुत कम यूजेस लिखे हैं, लेकिन कितने सारे यूज हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप इन यूजेस को अपने घर में जो एल्डर्स हैं, सॉरी उन एल्डर्स से डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करें, वो आपको बहुत अच्छे से यूजेस बताएंगे प्लांट्स के। मैंने जितने बताए इससे कई गुना ज़्यादा यूजेस बताएंगे। और फाइनली जो कंक्लूजन निकला वो डियर स्टूडेंट्स वो ये निकला है कि हमें प्लांट्स का रेस्पेक्ट करना है, और प्लांट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, है ना। आप कहोगे सर क्या आप मजाक कर रहे हैं, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्लांट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड। देखिए मैं जब पहले मैं मुंबई जाता था ट्रेन में, तो जब मैं ट्रेन में मुंबई जाता था तो जब मेरी ट्रेन अजमेर के नज़दीक हुआ करती तो वहाँ कुछ लड़के ट्रेन में चढ़ते थे, उनके हाथ में एक ढपली जैसा होता था, वो बजाते थे और वो गीत गाते थे, एक सॉन्ग गाया करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लोकल सा सॉन्ग था उनका, वो मैंने पिक्चरों में तो नहीं सुना, बट उनका सॉन्ग कुछ इस तरह था कि पूरी जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, है ना। तो वो मतलब लकड़ी का एक स्टोरी बताते थे, लकड़ी किससे मिलती है, वुड किससे मिलता है, प्लांट से, कि भाई जैसे हमारा जन्म हुआ, हमने किसकी हमने हमें हमारा हमें किसको खिलाया गया, पालने को, किसका होता था, लकड़ी का होता था। हम थोड़े से बड़े हो गए तो हमारे हमें जो खिलौने दिए गए वो किसके दिए गए, लकड़ी के। फिर हम और बड़े हुए तो हमारे हाथ में हॉकी आ गई, हॉकी स्टिक आ गई, वो भी लकड़ी की। थोड़े जब हम बुढ़े हो गए तो हमने फिर लकड़ी की सपोर्ट लेके चले, और फाइनली जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमें जलाया जाता है, उसमें भी लकड़ी का यूज़ किया जाता है। तो जो लकड़ी का रोल है पूरी लाइफ चलता रहता है, और लकड़ी हमें मिलती है प्लांट से। तो बहुत डिस्कस हो गया, आपने आनंद लिया होगा इस डिस्कशन में। यूजेज ऑफ प्लांट्स बहुत, और भी बहुत सारे यूजेज हैं, लेकिन समय हमारे पास इतना नहीं, हमारा ये चैप्टर बहुत लेंथी हो जाएगा। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ द प्लांट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रूट्स के बारे में, रूट्स का क्या काम है, रूट्स क्या क्या काम करती हैं, तो देखें, चलो देखते हैं। आप जानते हैं बट आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, आप और हम मिलके, बोलते हैं ना आप और हम मिलके खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन हम यहाँ पे करोड़पति नहीं खेलेंगे, आप और हम मिलके डिस्कस करेंगे रूट्स के बारे में। चलो शुरू करते हैं। होल्ड द प्लांट्स फर्मली टू द सोल, भाई होल्ड का मतलब होता है पकड़ के रखना। प्लांट्स आप जानते हैं फर्मली मींस दृढ़ता से, मैं लिखूं क्या, लिखने की जरूरत नहीं है। सोल मींस मिट्टी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, होल्ड द प्लांट्स फर्मली टू द सोल, जो जड़े हैं जो रूट्स हैं प्लांट्स को मिट्टी में पकड़ के रखती है। मतलब अगर रूट्स ना हो तो प्लांट गिर जाएगा, खड़ा ही नहीं रह पाएगा, अपराइट नहीं रह पाएगा, अपराइट मींस स्टैंड, खड़ा नहीं रह पाएगा सीधा। सो प्लांट्स को खड़ा रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रूट्स पहली चीज होगी, ठीक है। जैसे हम अपना नया घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो पहले हम बोलते हैं ना नींव, फाउंडेशन बनाते हैं, पिलर बनाते हैं, तो बेसिकली तभी तो पूरा घर उसी पे टिका हुआ है। तो पूरा जो प्लांट है
पेड़ है किस पे टिका हुआ है, रूट पे टिका हुआ है, रूट ही है जो उसको अपराइट खड़ा करके रखते हैं। सो आप ये सेंटेंस याद कर लें, होल्ड द प्लांट्स, होल्ड मींस पकड़ना, प्लांट को पकड़ के रखती है, जाने नहीं देती इधर उधर, फर्मली पूरा सोर मिट्टी के अंदर। ये पहला काम हो गया, बहुत सिंपल है। चलो मैंने इस पे टिक लगा दिया। नेक्स्ट द रूट्स जड़ें अब्जर्व सोखती हैं वाटर, रूट्स पानी भी सोखती हैं, सोखती है ना भाई। जब हमें बोलते हैं हमारे पेरेंट्स कि बेटा जब प्लांट्स में पानी डाल के आ जाओ, तो आप रूट्स में डालते हैं या प्लांट की पत्ती के ऊपर छोड़ के आ जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपने बकेट उठाया, उसमें पानी लिया, प्लांट्स की पत्तियों के ऊपर डाल के आ गए या कहीं और डाल के आ गए? नहीं, जो उसका रूट्स होता है, हम जो अपना जो उसका स्टेम होता है, उसका जो लास्ट पार्ट है, सो हम पानी कहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे इसलिए डालते हैं कि पानी रूट्स तक पहुंचे, ठीक है। और फिर रूट्स का काम है उस पानी को पूरे पेड़ को देना, पूरे पेड़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, खून होता है, तो हार्ट का काम है पूरी बॉडी में उस खून को पहुंचाना, पंप करके हार्ट पूरी बॉडी में उस खून को, बॉडी के हर पार्ट, हर ऑर्गन, हर सेल, इसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं, वहां तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? हार्ट। ठीक उसी तरह जो रूट है, ये पूरी पूरे प्लांट्स को वाटर जमीन से ऑब्जर्व करके सोख के पूरे प्लांट्स को देती है, ठीक है। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा है अपना, अच्छा ये तीसरा हम देखते हैं, रूट ऑब्जर्व मिनरल्स। यहाँ ऑब्जर्व था वाटर, पानी को सोखती थी, लेकिन मिनरल्स भी सोखती है, बोलते हैं ना खनिज। अब देखिए जैसे हम खाना खाते हैं तो प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, विटामिन लेते हैं कि नहीं, फाइबर्स लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि हमारी बॉडी को एक होती बैलेंस डाइट, ये सब चीज़ें एक प्रॉपर रेशियो में हमें इनकी ज़रूरत है। अगर हमारी बॉडी में किसी एक चीज़ की कमी हो जाए तो हम बीमार पड़ जाएंगे, सिक हो जाएंगे। उसी तरह प्लांट्स को भी मिनरल्स की ज़रूरत है। तो जो मिनरल्स मिलता है कहाँ से मिलता है? प्लांट्स रूट देती है। रूट कहाँ से लेती है? मिट्टी से लेती है। अब मिट्टी में या तो मिनरल्स हम कई बार ऐड करते हैं, मैन्यूर ऐड करते हैं, मैन्यूर मीन्स खाद, है ना, मैन्यूर ऐड करते हैं ना, उसी में मिनरल्स होते हैं। मिट्टी में कुछ नेचुरल भी मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। तो रूट होती है, उन मिनरल्स को सोखती है और कहाँ पहुँचाती है? पूरे प्लांट्स को, स्टेम को देती है, ब्रांचेस को देती है, सब ब्रांचेस को देती है, लीव्स को देती है, फ्लावर्स को देती है, फ्रूट्स को देती है। तो ये काम भी हो गया इनका, रूट्स का, जड़ों का। एक नेक्स्ट है प्रीवेंट सोल इरोजन। भाई सोल मीन्स होता है मिट्टी, इरोजन मीन्स होता है कटाव। अब देखिए जड़ें क्या है, रूट्स क्या है, मिट्टी को कटने से रोकती है। मिट्टी कटती कब है? जैसे बहुत तेज बारिश आ गई, रेन आ गया, कई बार फ्लड आ जाता है, रेन नहीं तो यहाँ पे आ गया, रेन वर्षा, बहुत तेज बारिश हो गई, रेन हो गया, कई बार फ्लड भी हो जाता है। लिखते जाओ फ्लड दिखेगा नहीं शायद, यहाँ पे लिखो एफ एल डबल ओ डी, फ्लड, फ्लड आ गया। अब फ्लड आता है या रेन आती है तो बहुत तेज पानी, बहुत स्पीड से पानी जाता है। अब स्पीड से पानी अगर जाएगा, अगर वहां पे अगर पेड़ है मीन्स रूट है। अब रूट है तो रूट्स उस मिट्टी को कटने नहीं देंगे, इसको बोलते हैं सोल इरोजन, मिट्टी का कटना, रूट नहीं कटने देंगे। लेकिन अगर पेड़ नहीं है तो वो मिट्टी वहां से कट जाएगा, सोल इरोजन हो जाएगा और मिट्टी कहीं और चली जाएगी। जो मिट्टी यहाँ की थी वो कहीं पानी के साथ लुढ़क के, बह के, पानी के करंट के साथ और आगे चली जाएगी, उसी को बोलते हैं सोल इरोजन। तो मिट्टी की कटाव को कौन रोकता है? जड़ें, रूट्स रोकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो जड़ों पे हमने एक बार जो रूट्स के काम देखे, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, लेकिन पहले आप बताएंगे पहला काम मैंने क्या बताया, रिपीट करें आप। होल्ड द प्लांट्स फर्मली टू द सोर, प्लांट्स को सीधा खड़ा करके रखती है मिट्टी में, फर्मली दृढ़तापूर्वक, वर्ड फर्मली मतलब अच्छे तरीके से, दृढ़तापूर्वक। कई बार इवन जो काफी तेज हवाएं चलती है अपरूटेड नहीं कर पाती। देखिए रूटेड एक होता है अपरूटेड, अपरूट, अपरूटेड मीन्स उखाड़ना, रूट को उखाड़ देना। ज्यादातर केसों में
पेड़ अपरूटेड नहीं होते। कई बार बहुत बड़ा साइक्लोन आ गया, तूफान हो गया, उसको हिंदी में आंधी बोलते हैं, है ना, तब तो कुछ पेड़ अपरूटेड हो जाते हैं, मीन्स अपरूटेड मीन्स उखड़ जाते हैं। अन्यथा नॉर्मल केसेस में अपरूटेड नहीं होने देती जड़ें, बहुत स्ट्रांग होती है। अब कुछ कुछ प्लांट्स की जड़ें स्ट्रांग नहीं हो पाती तो वो अपरूटेड हो जाते हैं, मीन्स उखड़ जाते हैं। इस वर्ड को आप याद कर लें, अपरूटेड मीन्स उखाड़ना। तो देखिए, ये पहला आपने बताया, मैंने नहीं बताया। दूसरा क्या है, रूट्स ऑब्जर्व वाटर, पानी सोखती है, पानी सोख के किसको देती है, आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, पेड़ को देती है, आपने बताया। तीसरा है भाई, रूट्स ऑब्जर्व क्या है, वर्ड क्या है, मिनरल्स, खनिज, है ना, मिनरल्स के बारे में बाद में, आप तो इतना अभी इतना जान लें, मिनरल्स खनिज मतलब ये समझेंगे, ये खनिज जो मिनरल्स है, एक तरह का सब कुछ है, जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स हैं, ऐसे ही आप ये समझे खनिज। तो ये भी कौन सो ऑब्जर्व करता है, रूट, और किसको देता है, पूरे प्लांट्स को। नेक्स्ट क्या है भाई, रोकती है, प्रिवेंट करती है, क्या रोकती है, सोल इरोजन, मिट्टी के कटाव को भी रोकती है। तो इतना सारा काम हो गया रूट्स का, बहुत बड़ा काम है, है ना। चलो अब आप एक स्क्रीनशॉट लें, मैं अभी आता हूं। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में इतनी बात करेंगे, हम अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी, और हम अगले क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स की, रूट कि क्या क्या टाइप्स होती हैं, कितने प्रकार के रूट्स होते हैं, कई प्रकार के रूट्स होते हैं, जिस पे हम आपसे डिस्कशन करेंगे। आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा इस क्लास में, और साथ ही साथ जो मैंने आपको पढ़ाया कि समझ में आ गया होगा, यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू, एंड प्लीज गो थ्रू दिस क्लास, दैट मीन्स गो थ्रू द वीडियो, फोकस व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द वीडियो, प्लीज फोकस, कंसंट्रेट करना है, इधर उधर नहीं देखना है। एंड वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, ध्यान से सुने। देखिए, अगर हम किसी चीज को खाली देखते रहते हैं, जैसे हमने भी बस ऐसे जैसे वीडियो चल रहा है, अपने आपने हाथ में ऐसे लिया, दैट इज रॉन्ग। आप वीडियो देखें, मोबाइल को ऐसे किसी सपोर्ट लेके रख दें, बट प्लीज टेक ए पेन इन योर हैंड, अपने हाथ में एक पेन लें और एक नोटबुक लें, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं प्लीज नोट डाउन करें वहाँ पे। खाली देखिए, देखने से हमें बोलते हैं ना, पूरा गेन नहीं होता, पूरा लाभ नहीं होता, होता है क्या, मान लो हमें कुश्ती सीखनी है, रेसलिंग सीखनी है, अब हम खाली टीवी पे या अखाड़े के पास जहाँ पे रेसलर कुश्ती सीख रहे हैं वहाँ पे जाके बैठ जाएं, केवल रोज़ देखें, तो थोड़ा सा हमें नॉलेज मिलेगा, लेकिन क्या हम रेसलिंग सीख पाएंगे, नहीं। रेसलिंग सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, रेसलिंग करनी होगी, कुश्ती करनी होगी, अखाड़े में जाना होगा, ठीक है, तभी तो हम सीख पाएंगे। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, बहुत कम लाभ होगा, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, आपका फोकस वहाँ पे होना चाहिए, और आपको हार्ड वर्ड भी लिखने हैं जो हमने बताए, आपको सेंटेंस को रीड करना है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, जो कुछ नहीं आता है, जो डाउट है उसको नोट करना है, ये सारा चीज़ आपको बेसिकली पेन और पेपर और लिखते रहना है, आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप जिस तरह से कुश्ती सीख पाएंगे उसी तरह से आप एक अच्छे स्टूडेंट, अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो ये मैंने बहुत बड़ी बात बताई है, प्लीज़ इसको आज आप लागू करेंगे। इससे पहले एक्सपीरियंस किया है हमने कि आप केवल वीडियो को ऐसे देखते रहते हैं, हाथ में मोबाइल लिया और बस चल रहा है, जैसे आप तारे ज़मीन पे और कोई सुल्तान ये सब पिक्चरें देखते रहते हैं, ठीक है, वो तो पिक्चर थी, लेकिन आपको यहाँ पे पेन और कॉपी हाथ में रखनी है। दैट्स ऑल इन दिस क्लास, सी इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए ग्रेट डे डियर स्टूडेंट्स।